है टारगेट किलिंग यहाँ पर देखने को मिली। आपके पीछे लोगों का प्रदर्शन जारी, जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए नैना, अगर आप इस समय देखेंगे कश्मीरी हिंदुओं में काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है, आंखों में आंसू है, लेकिन गुस्सा लेके इस समय ये सड़कों पर उतर गए और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये नारे लगा रहे हैं टीआरएफ आतंकवादी संगठन के खिलाफ, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादी इन कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाते जा रहे हैं। ये जो दुखद जो स्टोरी शुरू हुई थी, हॉरर की स्टोरी 1990 में, ये देखिए ये स्टोरी आज भी चल रही है। पिछले दो साल से हमने देखा है कि लगातार टारगेटेड किलिंग हो रही है। कभी पूरन भट्ट को मारा जा रहा है, कभी राहुल भट्ट को मारा जा रहा है, कभी रजनी बाला को मारा जा रहा है। मारने का एक ही मकसद है, मकसद यह कि ये चाहते नहीं कि हिंदू वहां पे रहें, ये चाहते हैं कि एक भाई का माहौल क्रिएट हो, ये चाहते नहीं वहां पे नॉर्मल सी, ये चाहते हैं वहां पे हमेशा डिस्ट्रक्शन। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, आज क्या कहना चाहते हैं जो ये लगातार पाकिस्तान टारगेट। सर, जिस बात का संकेत हम गवर्नमेंट को पिछले 3 महीने से दे रहे थे, आज वो फिर हुआ। हम नहीं चाहते थे कि किसी की टारगेट किलिंग हो, बट अनफॉर्चुनेटली वी अगेन मिस अवर बॉय, अगेन मिस अवर कश्मीरी पंडित इन द कश्मीर बाय द ब्रूटल टारगेट किलिंग बाय द कवर्ड टेररिस्ट इन कश्मीर। क्या कहना चाहेंगे लगातार जो पाकिस्तान निशाना बनाता जा रहा है? सर, मेरे को समझ नहीं आ रही है, या तो गवर्नमेंट ये देखना नहीं चाहती है, या तो वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। कब तक ये लोग हमारे मारते जाएंगे? रोज रोज हमें गोलियों से मारा जा रहा है, हमें पेन टेररिज्म से मारा जा रहा है, आखिर ये हमारा जेनोसाइड क्यों करना चाहती है? मुझे, मैं ये गवर्नमेंट से आज खुलेआम क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या आपको कश्मीरी कम्युनिटी से प्यार नहीं है? क्या आपको कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों हमें बार बार मारा जा रहा है? आपको लगता है कभी कभी ये कश्मीरी हिंदू होना गुनाह है? हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान आपको निशाना बना? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो हमारी किस्मत खराब है, या तो गवर्नमेंट हमें समझना नहीं चाहती है, जब उनको ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, फिर भी हमें टारगेट किया जा रहा है, फिर भी हमें बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान ही इसके पीछे है। कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करती हूँ मैं बस गवर्नमेंट से यह अपील कर रही हूँ कि हम पिछले 156 डेज से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जब हम बोल रहे हैं हमारी जानों को सुनिश्चित किए, तो आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 156 दिनों से ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज वाले एम्प्लॉयज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी एक ही डिमांड थी, या तो आप हमें सुरक्षा प्रोवाइड करिए, या तो आप हमें रिलोकेट करिए और जम्मू लाइए। अब देखिए इस समय काफी नाराज है, काफी गुस्से में है, लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार आपकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा? 90 के दशक में जो कहानी उन्होंने शुरू की थी, आज भी वही दोहराई जा रही है। सर देखिए, इन हालातों के लिए जितने जिम्मेवार पाकिस्तानी है, उससे ज्यादा जिम्मेवार हमारी गवर्नमेंट को बोलूंगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूंगी। हम पिछले 160 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे अपनी जानों की भीख मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जो बचे कुछ ही जाने वहां पे हैं, इन्हें बचा लीजिए प्लीज, इन्हें जम्मू रिलोकेट कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, जब तक कि घाटी में हालात सामान्य नहीं हो जाते। पर वो सुनने को तैयार ही नहीं। रोज मीटिंग्स होती है, रोज सब कुछ होता है, बट हमारे पास कोई नहीं आया। बोला गया आपको सेफर जोन प्रोवाइड करेंगे, आप एक गांव के लोगों को नहीं बचा पाए, जो गिने चुने लोग वहां पे रह रहे थे, आप उन्हें नहीं बचा पाए। हम इतने लोग जो हर जगह फैले हुए वहां पे, हमें कैसे बचाएंगे ये लोग? देखिए, काफी परेशानी है इनके लिए भी। पिछले 156 दिन से लगातार ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज फिर से किलिंग होती है, क्योंकि किलिंग का एक ही मकसद है, एक भाई का माहौल क्रिएट करो ताकि कश्मीरी हिंदू वहां से पलायन करें। लेकिन सरकार की दुविधा यह है कि उनको लगता है कि अगर एक बार कश्मीरी हिंदू पलायन कर जाते हैं तो उनको वापस वादी में लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही तो पाकिस्तान का मंसूबा और यही पाकिस्तान का प्लान है। यही एक वजह है कि इस प्लान को वो कामयाब नहीं होना देना चाहते, लेकिन सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहते। लेकिन इनका भी कहना है कि कब तक आप हमें बलि का बकरा बनाते होगे? बिल्कुल प्रदीप, मैं लगातार आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा है, उनका ये गुस्सा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर तो है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी वो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। प्रदीप, मैं आपका रुख करूं, लेकिन इस टारगेट किलिंग को लेकर किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सुनिए। देखिए, दुखद घटना है, पहले भी इस प्रकार से बार बार किसी पर्टिकुलर समाज को निशाना बनाया जाता है, तो इस जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें इस प्रकार से जो एक विराम लगता है उससे चिंता तो होना स्वाभाविक है। हाँ, ये जानकर के जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ फंसाने का प्रयास सरकार की तरफ से जो चल रहा है, ये इसमें वादा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द सुरक्षा बल इसका हल निकाले। पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार के षड्यंत्र
कि जम्मू कश्मीर के अंदर डर और खौफ का माहौल हो, ऐसी साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। भारतीय सेना के जवान हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने लगातार कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट में ज़बरदस्त तेज़ी लाई, जिससे बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया हुआ है। बौखला हुए आतंकवादियों ने इस प्रकार की कायराना साजिश की है और कश्मीरी पंडित समाज के नौजवान को जिस प्रकार निशाना बनाया गया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी, जिनका सेना ने और पुलिस ने सफाया किया है, वो बहुत इस वक्त घबराए और परेशान हैं। और तो पाकिस्तान घबराया हुआ है, आतंकी घबराए हुए हैं, क्योंकि चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। मेरे साथ ही प्रदीप दत्ता लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जो लोगों की भीड़ है, जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन की मांग क्या है, आखिर क्या कह रहे हैं अब वो, आखिर अब उनके मन के क्या भाव हैं, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर अब इनकी भाव की बात करें, इनके आक्रोश की बात करें तो जायज है, क्योंकि ये पिछले 32 वर्ष से इस कम्युनिटी ने सफर किया। इनका पलायन हुआ था 90 के दशक में, हमने देखा किस तरीके से इन्हें मारा गया था, जिसकी वजह से एक भय का माहौल क्रिएट किया गया था। आज भी वही कथा जो है दोहराई जा रही है पाकिस्तान के आतंकवादियों। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान को बौखलाहट इसलिए, कुछ दिन पहले हमने देखा कि गृह मंत्री यहां आए थे और कितनी तादाद में लोग गृह मंत्री को सुनने के लिए बारामूला में आए, क्योंकि ये वही लोग थे जो कुछ सियासी जमाते और पाकिस्तान का ये कहना था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई भी तिरंगा उठाने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से साथ गृह मंत्री को सुनने के लिए लोग आए, उससे एक बौखलाहट है और वो लगातार उनकी कोशिश है कि यहां के अमन अमान को खराब किया जाए। हमने देखा कि आज सुबह कैसे 16 किलोग्राम की एक आईडी को डिफ्यूज किया जाता है। पुलवामा जैसी वारदात करने की कोशिश थी, जब कुछ उसमें बना नहीं तो उन्होंने एक निहत्ते कश्मीरी हिंदू को मार दिया। कश्मीरी हिंदू को मारने का मतलब, वो यहां पे ना हिंदू देखना चाहते हैं, ना हिंदुस्तानी देखना चाहते हैं, ना हिंदुस्तान का कोई सिंबल देखना चाहते हैं। ये एक वजह की लगातार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों ने अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोग जो हैं वो पैट्रियटिज्म की राह पे हैं, वो इस समय अलगाववाद पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं, टेररिज्म रिजेक्ट कर चुके हैं, चाहते वो टूरिज्म है। मैं कई लोग हैं इधर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्या कहना चाहेंगे। लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लगता आपको बौखलाहट है, नेशनलिस्टिक कम्युनिटी को टारगेट कर? गलत है ये, बिल्कुल गलत है। जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड तो कुछ नहीं, बेसिकली जो किलिंग हो रही थी, डिमांड तो आपको पता ही है, पिछले 100-150 दिन हो गए, अभी ज्यादा 150 से ज्यादा। आज किलिंग में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और उनके आतंकवादी? पाकिस्तान जो हमेशा ये करता है, जो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है कश्मीर में, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को जो टारगेट किया है, माइनॉरिटीज को, वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई एक्शन ले, उनके ऊपर कोई एक्शन ले। ये जो बार बार किलिंग हो रही है, हर महीने एक दो किलिंग हो रही है, इसके ऊपर देखिए, गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करनी होगी, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी होगी, सख्त रवैया अपनाना होगा इन आतंकवादियों के खिलाफ। अगर वो सख्त रवैया अपनाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। आप देखिए, लगातार इस समय प्रदर्शन जम्मू की सड़कों पर, सड़कों के बीच में इस समय कश्मीरी हिंदू आ चुके हैं और लगातार पाकिस्तान और भाड़े के आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, नारेबाजी की जा रही है। ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा जो विरोध जताते हुए बुलंद आवाज कर रहे हैं। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ में। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकियों की कायराना करतूत का विरोध कर रहे हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लगातार लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक वो इसी तरह की वारदातों का शिकार होते रहेंगे। 1990 से लेकर आज तक स्थिति अभी भी वही नजर आती है। एक बारी फिर से जो जहादी माइंडसेट के एलिमेंट है वहां पे, कायर टीआरएफ और पाकिस्तान सपोर्ट्स और जो टेररिज्म है, फिर से एक बारी जो मोदी जी और अमित शाह जी का पीस और डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिर से एक निहत्ते कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। ये दर्शाता है कि जो वहां पे पाकिस्तान में उनके आका बैठे हैं, टीआरएफ को वहां से आदेश मिलते हैं कि इन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाओ, ताकि ये जो प्रीसेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट है
और जो कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन होनी थी उसको धक्का लगे। सिलेक्टिव किलिंग एक टारगेट किलिंग की है, ये चलने वाला नहीं है। ये हमारी बहनें और हमारे भाई जो हैं ऑलरेडी 1990 से मार खाए हैं, इनके पेरेंट्स मार खाए हैं, आखिर कब तक ये निहत्थे राष्ट्रवादी सोच को लेके एक बंदूक का मुकाबला कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और पाकिस्तान जो ये आए दिन इस तरह की बर्बरता और मौत का नंगा नाच कश्मीर में दिखा रहा है उसको सबक सिखाने की बारी आ गई है। आज फिर से एक शहीद हो गया हमारे वहाँ कश्मीर में अनंतनाग में। अब तो हमारे आंखों से आंसू भी सूख गए उनके रोने के लिए। अब ये ना हो कि हमारे आंसू अंगारे बन जाए। अब हमें नहीं पता हमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कसूर है हमारा। हम बार बार चिल्ला रहे हैं, पिछले 4 महीने से बोल रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है और किस बात की हमें सजा मिली जा रही है। बार बार सजा मिली जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे आंखों के आंसू अंगारे बन जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब आंखों के आंसू अंगारे बन जाएंगे, और वो बनते हुए नजर भी आ रहे हैं। मेरे साथी प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जो इसके पहले जो तस्वीर यहां पर कश्मीरी पंडितों ने देखी, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हिंदुओं ने देखी, अब वो जो दर्द है वो अब बुलंद आवाज के तौर पर नजर आता है। मांग यही कि अब इसका कुछ ना कुछ खात्मा करना पड़ेगा। इसका नतीजा आखिर क्या होगा आने वाले वक्त में, देखने वाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मांग एक ही है, मांग यह कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। कब तक ये मारकाट का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि 32 वर्ष हो चुके हैं और इस कम्युनिटी ने काफी परेशानियां पाकी, काफी दुविधाएं सही है, तो अब वो चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि सरकार को भी इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने थे, क्योंकि पिछले 156 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज थे वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी एक ही डिमांड थी कि उनको रिलोकेट किया जाए। अब आप सोचिए कि इनको क्यों मारा जा रहा है। 2-3 वजहें हैं उसकी। एक वजह यह है कि बोखलाहट है पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादियों में। बोखलाहट क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि जब गृह मंत्री अमित शाह आते हैं दौरे पे तो एक काफी बड़ा हजूम आया था उनको सुनने के लिए, तो वो एक बोखलाहट उस वजह से है। दूसरा आप देखिए, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल सी होती जा रही है। पत्थरबाजी लेकिन प्रदीप, बिल्कुल लेकिन प्रदीप, आने वाले वक्त में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे अपने आप में काफी सेंसिटिव है, और जैसा हम बात करें कि जब यहाँ लोकतंत्र बन रहा है तो आतंकवादियों में घबराहट है, बौखलाहट है, आप उससे कैसे निपटेंगे। बहरहाल अभी जो प्रदर्शन चल रहे, क्या यहाँ पर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी पहुंचा है इन लोगों से बात करने के लिए? अभी तक तो कोई नेता यहाँ पे नैना, कोई नेता नहीं आया, लेकिन ये कहते हैं कि हम सड़क पर ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, आज हम उठने वाले नहीं है। आखिर कब तक हम सहेंगे, एक ही आवाज, आखिर कब तक हम सहेंगे। और दूसरा सवाल, क्या हिंदू होना गुनाह है? तीसरा, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या कश्मीर में हिंदू नहीं रह सकता? अगर बाकी समुदाय के लोग रह सकते हैं तो हिंदू को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये तिरंगे के लिए खड़ा है। हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि नेशनलिस्ट फोर्स है। हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मार के एक बाइक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि 90 के दशक में भी हमने देखा था निजामे मुस्तफा का एक नारा लगाया था। निजामे मुस्तफा का मतलब कि एक ही समुदाय के लोग ही चाहते थे वहां रहे, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से उस बार भी उन्होंने लगातार टारगेटेड किलिंग करके इनका प्लान करवाया था और इस बार भी वही दहशत का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन लोग इस समय आप देखिए आक्रोश में, गुस्से में सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक ही आवाज उठा रहे हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वो चाहते हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, वो चाहते हैं कि सरकार को उनको सुरक्षा मुहैया करानी होगी, क्योंकि पिछले 156 दिन से प्राइम मिनिस्टर पैकेज के एम्प्लॉयज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को इस समय? सरकार को तो क्या ही करेगी वो, सरकार को तो उसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो हमें अबेंडन करके छोड़ चुकी है। हम सरकार से मांगे जा रहे हैं, जो पिछले हमारी 150 दिनों से डिमांड है वो हम मांगे जा रहे हैं, वो सरकार को सब पता है जो हम मांग रहे हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि सरकार पूरी निकम्मी हो चुकी है, उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, वो बस ठीक है। प्रदीप, यानी कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति, अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा रहे हैं और उनकी मांग बस यही है।